डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बृहस्पति तुला लग्न के लिए वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई को। हर साल वक्री होते हैं बृहस्पति। सूर्य से उनकी दूरी पर निर्धारित होता है कब और कितने समय के लिए वक्री होंगे। इस साल जब वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई को, तो 29 जुलाई से लेकर 23 या 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 4 महीने का ये उनका पीरियड रहेगा जिसमें वो वक्री चलेंगे, रेट्रोग्रेड चलेंगे। बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। हर जातक की कुंडली में महत्वपूर्ण स्थान होता है। नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। 2 स्थानों का उनके पास स्वामित्व है। 3 दृष्टियां हैं। कई भावों के कारकत्व हैं। इसीलिए जब भी उनकी परिस्थिति में बदलाव आता है, जातक के जीवन में बदलाव अवश्य आता ही है। उसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो बृहस्पति की चाल में वक्रता आ रही है, यानी कि वो वक्र हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव रहेगा तुला लग्न के जातकों पर। मेरे हिसाब से आपको जो लंबे राशिफल हैं वो लग्न से देखने चाहिए। इन केस आप लग्न से नहीं देखना चाहते या लग्न आपको नहीं पता, आपकी राशि तुला है, तो उससे भी देख सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट लग्न से आएंगे। आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स को इसमें मैं कवर करूंगा और इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए यह जो बृहस्पति का वक्र होना है ये अच्छे रिजल्ट आपको देके जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का जनरल प्रिडिक्शंस के साथ। करेंगे जनरल प्रिडिक्शंस के साथ। तुला लग्न के लिए जब बृहस्पति वक्री होंगे तो होंगे वो आपके छठे भाव में। अब छठे भाव में ग्रह का वक्री होना बुरा नहीं होता, एक दुष्ट स्थान है। यहाँ पर कुछ भी जो नॉर्मल से हटकर होता है वो अच्छा प्रभाव दे जाता है। यहाँ पर पाप ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं। मंगल, केतु यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। अब बृहस्पति यहाँ पे थे और विपरीत राजयोग बना रहे थे। एक सौम्य ग्रह का विपरीत राजयोग बनाना और एक दुष्ट ग्रह का विपरीत राजयोग बनाना, उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। जो दुष्ट ग्रह होता है यदि वो विपरीत राजयोग बनाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बृहस्पति अब यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसा मैंने कहा बना रहे थे, अब वो वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है और क्योंकि आपके लिए बृहस्पति तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं, साफ बता रहा है कि साहस में बहुत हद तक बढ़ोतरी होने वाली है। यदि इस समय से पहले साहस में कुछ कमी दिख रही थी, आप बड़े निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप आगे बढ़ने से सहम जा रहे थे, इन सब चीज़ों में 29 जुलाई के बाद बदलाव आएगा। ऐसा इसलिए भी है कि एक तो तीसरे भाव का स्वामित्व है बृहस्पति के पास, दूसरा 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान होते हैं। इनमें से 2 भावों का स्वामित्व बृहस्पति के पास है। ये जो उपचय स्थान होते हैं ये आपको जीवन में आगे लेके जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का 3, 6, 10, 11 ये भाव कनेक्ट हो गया, वह व्यक्ति अपने बलबूते पर अपना नाम कमाता है, अपनी फैमिली का नाम आगे लेके जाता है। यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखता हो, समझने की कोशिश करता हो, देखिएगा यदि कोई ऐसी कुंडली मिल गई 3, 6, 10, 11 ये भाव कनेक्ट हो गए, व्यक्ति व्यक्ति बहुत ऊपर जाता है। अब आपके लिए यहाँ पर 3, 6 ये तो बृहस्पति के कारण कनेक्ट हो रहे हैं, इसके साथ 10वां भाव भी कनेक्ट हो रहा है क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठकर 10वें स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये जो 4 महीने हैं जीवन रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जो चीज़ें अटक रही थी, रुक रही थी, हर जगह पे थम जाती थी, उन चीज़ों में बदलाव आएगा। जैसा मैंने कहा उपचय स्थान कनेक्ट हो रहे हैं, 3 भाव कनेक्ट हो रहे हैं। पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरह से जीवन आपका आगे अवश्य बढ़ने वाला है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ वक्री ग्रह मेहनत करवाता है, तो मेहनत से पीछे हट गए तो फिर तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। मेहनत से पीछे हट गए तो कितने भी अच्छे योग हों कोई लाभ नहीं होने वाला। कुछ लोगों की मैं कुंडली देखता हूँ, वो कहते हैं कि मेरी कुंडली में इतने अच्छे योग हैं,
मैं उनसे पूछता हूँ, आपका जब वो पीरियड है आपने क्या किया, कुछ अलग किया क्या? लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब योग होते हैं, अच्छा समय आता है, तो उस समय मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, तभी उसके ज़्यादा फल मिलते हैं। हाथ पे हाथ धर कर बैठने से ठीक है, कभी कभी किस्मत भी होती है, मैं मना नहीं करता, कभी कभी हाथ पे हाथ धर के बैठने पर भी पैसा बहुत आ जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यूजुअली जब अच्छा समय आता है तो मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। यही समय आपका है, इसमें मेहनत बहुत करिएगा। छठा भाव है रोग रिपु ऋण का भाव है, बृहस्पति वक्री है, रोगों से उबर पाएंगे, शत्रुओं पर विजय पाएंगे, और जो भी आपके ऊपर ऋण था वो भी बहुत हद तक चुका पाएंगे, क्योंकि 12वें स्थान को देख रहे हैं। खर्चों में कटौती होगी, कोई कोर्ट केस, कोई मुकदमा चल रहा था, उसमें चीज़ें थोड़ा बहुत आपके फेवर में जाएंगी। मैं ये कहूँगा कि वक्री हैं, बृहस्पति हैं, तो यदि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मौका मिलता है कर लीजिएगा, क्योंकि फिर चीज़ें ड्रैग ऑन होती रहेंगी, स्पेशली यदि कोई सिविल केस है तो। अब क्रिमिनल केस में कॉम्प्रोमाइज़ होना सब में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर सिविल केस है आपका कोई जो चल रहा है, सालों साल चल रहा है, इस 4 महीने के पीरियड में कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बन सकती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ बैठकर 10वें स्थान पे होगी, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और कुछ हाथ से निकल गया था, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी, वो भी अचानक से वापस प्राप्त हो सकती है। ओवरऑल आपका स्टेचर बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधा 12वें स्थान को देख रही है, खर्चों में कटौती होगी, देश से बाहर जा पाएंगे, देश से बाहर जाने का सोच विचार कर रहे थे, इन 4 महीनों में अवश्य जा पाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रुकावटें दूर होंगी। बृहस्पति की नवी दृष्टि रहेगी धन स्थान पर। अब देखिए, छठे भाव में है और धन स्थान को देख रहे हैं, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण। अब इन तीनों ही कोणों को कनेक्ट कर रहे हैं बृहस्पति, यानी कि पैसा तो इन 4 महीनों में आएगा ही, और स्पेशली आपके कार्यक्षेत्र से इन 4 महीनों में हद से ज़्यादा, मतलब कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा पैसा अवश्य आएगा। ओवरऑल आपके लिए जो बृहस्पति का वक्री होना है, ये जो स्थिति है उनकी, जो उनकी चाल उल्टी हो गई, ये आपके लिए सीधे ही फल दे के जाने वाले हैं, अच्छे फल दे के जाने वाले हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या? क्योंकि वाणी के स्थान पर है बृहस्पति का की दृष्टि, वाणी के स्थान पर है, आपकी बातों को लोग गलत समझेंगे। गलत सिर्फ समझेंगे नहीं, जो आपके दुश्मन है वो आपकी बातों में से कुछ पॉइंट्स निकाल कर आप ही के खिलाफ यूज़ करेंगे। सपोज आपने एक सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस का अगला भाग, पिछला भाग छोड़कर वो जो बीच में एक दो शब्द आपने बोले होंगे, उन्हीं को लोगों को सुनाएंगे और उससे आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। प्रयास कीजिएगा अपने शब्दों में, अपनी बातों में स्पष्टता रखने का, अन्यथा तो ये जो वक्री हो रहे हैं बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देंगे। चलते हैं करियर और बिजनेस की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं पहले उनकी बात करेंगे। मैंने शुरू में ही बताया अर्थ त्रिकोण को कनेक्ट कर रहे हैं बृहस्पति, 10वें स्थान को देखा जाता है, 10वें स्थान पर दृष्टि रहेगी, 10वें स्थान से नवम में बैठे हैं और 10वें स्थान पर दृष्टि रहेगी। दो चीज़ें, कार्यक्षेत्र में भाग्य साथ देगा, कार्यक्षेत्र में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और यदि आप किसी MNC वगैरह में काम करते हैं, किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका बाहर की कंट्रीज से कनेक्शन है, उनके ऑफिसेज देश से बाहर भी हैं, हो सकता है आपका किसी और कंट्री में जहाँ पे आपके कंपनी का ऑफिस है वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं कार्यक्षेत्र में, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके साथ ही जो लोग आपको तंग कर रहे थे अपने कार्यक्षेत्र में, उन पर विजय पा पाएंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया, रोग रिपु ऋण के भाव में बैठे हैं और वक्री होकर विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। जो भी लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आपके लिए दिक्कतें तकलीफें उत्पन्न कर रहे थे, उन सब पर आप विजय पाएंगे और कार्यक्षेत्र में आगे नहीं बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 ये पैसे के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए, आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्यक्ति यूजुअली काम करता है तभी पैसा कमाता है। मैं काम करता हूँ तभी पैसा कमाता हूँ, आप काम करते हो तभी पैसा कमाते हैं। तो ये जो अर्थ त्रिकोण है यही बताता है आपका अर्थ कहाँ से निकलता है, पैसा कहाँ से निकलता है, तीनों को ही कनेक्ट करेंगे तो साफ बात है कार्यक्षेत्र में धन वृद्धि होगी,
कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे प्रमोशन के साथ, और जो आपके एक्स्ट्रा इनकम होती है, इंक्रीमेंट्स हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, इवन एरियर्स जो रुके हुए थे, वो सब भी आपको इन 4 महीने में प्राप्त हो सकते हैं। बहुत अच्छा 4 महीने का पीरियड है ये जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, स्पेशली किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो आपका ये जो ओवरऑल 4 महीने का पीरियड है बिजी जाएगा, काम वाला जाएगा, मेहनत वाला जाएगा, लेकिन रिजल्ट अच्छे देके जाएगा। अगर आप जैसा मैंने कहा मार्केटिंग आदि से काम जुड़ा कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा है। अगर आप टीचिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फाइनेंस से जुड़ा कोई जॉब करते हैं, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात कर लेते हैं। देखिए बिजनेस को देखेंगे तो 7वां स्थान देखेंगे, वहाँ से 12वें में बैठेंगे, सप्तम भाव से 12वें में बैठेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 29 जुलाई के बाद का पीरियड होगा वो थोड़ा सा विचलित करेगा आपको। 29 जुलाई के बाद मान लीजिए जो 2-3 हफ्ते हैं बिजनेस पे थोड़े से भारी जाने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, अचानक से रुकावटें आएंगी, कोशिश आप करेंगे लेकिन उस पर कुछ या उसका कुछ हल नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन 29 जुलाई के बाद 2-3 हफ्ते जब निकल जाएंगे फिर आपके बिजनेस में थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी, आप जागरूक हो जाएंगे अपने बिजनेस के बारे में। इसके साथ ही आपको समझ आ जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए इस समय क्या अच्छी चीज़ है और बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। तो ये आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। शुरू के 2-3 हफ्ते 29 जुलाई के बाद सेंसिटिव रहेंगे बिजनेस वालों के लिए, उसमें थोड़ा सा धैर्य रख लें, अदरवाइज तो कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको ये 4 महीने का समय बिजनेस में देके जाएगा। लेकिन हाँ, बिजनेस में खर्चे बहुत होंगे, आपकी भले ही आमदनी बढ़ जाए लेकिन खर्चे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, ये एक नकारात्मक चीज़ दिख रही है। यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा, यदि आप गारमेंट्स से जुड़ा या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, ये जो 4 महीने का समय है अच्छा जाएगा। बात करते हैं पैसे की, पैसा क्या आएगा। मैं शुरू से बता चुका हूँ, करियर वाले सेक्शन में भी बताया कि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, इसमें से बृहस्पति दूसरे भाव धन भाव को देखेंगे और पूरे के पूरे इन 4 महीने में देखेंगे, यानी कि पैसा तो अवश्य आएगा लेकिन हाँ, उस पैसे के लिए मेहनत थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब कि जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई मैं इतनी मेहनत करूँगा तो उतना कमा लूँगा, ऐसा नहीं होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तभी पैसा आएगा। लेकिन पैसा ज़रूर आएगा क्योंकि धन स्थान पर दृष्टि है, तो बहुत हद तक अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे इस 4 महीने के पीरियड में। खर्चा कहाँ कहाँ होगा, सेहत पर बहुत खर्चा होने वाला है, सेहत पर खर्चा होगा। इसके साथ ही फैमिली ट्रिप्स, हो सकता है आपकी पूरी फैमिली कहीं पर जाए ट्रिप के लिए, उस पर खर्चा होगा। आपका अपने करियर को और इम्प्रूव करने के लिए किसी पढ़ाई पर या किसी कोर्स पर थोड़ा बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही आप अपने घर के बड़ों पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, वो खर्चा ही नहीं होता, वो तो मन से ही होती है बात करना, लेकिन पैसा तो उस पर जाएगा ही। अस्पताल के चक्कर काफ़ी लग सकते हैं, हॉस्पिटल्स के आपके काफ़ी चक्कर लगेंगे, शायद आपके लिए ना लगे लेकिन आपके घर वालों के लिए लगेंगे, तो उस पर भी थोड़ा बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही इस पूरे 4 महीने में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सोचेंगे, तो एक तरह का खर्चा तो नहीं है क्योंकि आपका पैसा कहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, जो आपके पास कैश है वो तो थोड़ा कम होगा ही क्योंकि वो एक तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको बुरा नहीं कह सकते। तो ओवरऑल पैसा तो आता हुआ दिख रहा है, खर्चा जो मैंने 2-3 जगह पर बताया एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपका हो सकता है। अब चलते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की तरफ। पहले बात करेंगे लव लाइफ की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इन 4 महीनों में आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप्स बहुत आने वाले हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाएंगे ढंग से, पंचम से दूसरे में हो रहा है लेकिन है तो छठा भाव, तो वाणी के कारण ही बहुत झगड़े होने वाले हैं आपके इन 4 महीनों में, और कभी कभी तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप ब्रेकअप के बारे में भी सोचेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम 29 जुलाई को ही आपके झगड़े होने लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कर मिसकम्युनिकेशन बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन गैप आएगा, मिसइंटरप्रिटेशन होगा, आप कुछ कहेंगे वो कुछ समझेंगे, थोड़ा बहुत आपके साथ भी यही होगा, वो कुछ कहेंगे आप कुछ और समझेंगे, और जो मिसकम्युनिकेशन है बढ़ता बढ़ता बढ़ता
एक दिन आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां ला सकता है। तो मैं यही कहूँगा, कोशिश करनी है कि मिसकम्युनिकेशन ना हो, एक दूसरे के साथ जितना सिंपल लहजे में बातचीत करें उतना अच्छा है। घुमा फिरा के बात मत कीजिएगा, किसी के थ्रू कोई बात मत करवाइएगा। स्पष्टता सरलता के साथ अपने पार्टनर के साथ सारी बातें करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना जैसा मैंने कहा कम्युनिकेशन गैप बहुत आने वाले हैं। चीज़ें यदि ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक जा रही थी तो ये 4 महीना उस प्रॉब्लम्स में थोड़ी और बढ़ोतरी कर सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, वहाँ के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि 7वें से 12वें में होंगे। एक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी हर तरह की, वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, रोमांटिक हो। अब जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति का ध्यान भटकता है, और ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है, न केवल आपके साथ, इवन आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मिस कंपैटिबिलिटी है, जो कंपैटिबिलिटी की कमी है, वो चीज़ आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है। यदि वो लोग जिनके मैरिड लाइफ में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उसके बाद जब ये गोचर होगा, ये जब वक्री होंगे बृहस्पति, और आपकी दशा अंतरदशा भी थोड़ी ख़राब चल रही है, हो सकता है वो डाइवोर्स के बारे में तक सोच सकते हैं। तो लव लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए जो बृहस्पति का गोचर होना है, सॉरी जो वक्री होना है, वो बहुत पॉजिटिव तो मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट्स के लिए जो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं वो 5वें से 2रे स्थान में हो रहे हैं। अब बाकी चीज़ों पे इसका कैसा भी इम्पैक्ट रहे, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति एक तरह के पढ़ाई के कारक ही हैं, सेकेंडरी कारक कह सकते हैं, प्रथम कारक बुध होते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने की क्षमता तो बृहस्पति द्वारा ही आती है। बुध अच्छा है, व्यक्ति बहुत आराम से रट्टा मार लेगा, बहुत आराम से चीज़ों को याद कर लेगा। बृहस्पति अच्छा है तो चीज़ों को समझेगा, और यही दिख रहा है कि बृहस्पति क्योंकि वक्री हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, 6ठे भाव में हो रहे हैं, तो आप सीरियस हो जाएंगे पढ़ाई को लेकर। स्पेशली यदि कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इन 4 महीनों में, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छा करेंगे, उस तैयारी के मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा इसमें, उसमें आप परफॉर्म अच्छा ही करेंगे। अब रिज़ल्ट तो खैर हमारे देश में इतना कंपटीशन का लेवल है कि पॉइंट पॉइंट से कोई ना कोई पीछे हो जाता है, वो उस समय आपकी क्या अंतरदशा चल रही है, दशा चल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने का समय है। वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी अचानक से कोई अच्छा जॉब का ऑफर आ सकता है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ कर रहे थे, उनके लिए गोल्डन पीरियड होगा, किस हिसाब से उनको जॉब मिल सकती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, कभी कभी आगे चलकर जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस समय आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसी जॉब मिलेगी जो आपके पढ़ाई को कॉम्प्लीमेंट करेगी, आपके पढ़ाई के हिसाब से ही होगी, और वो जॉब करके आपको जॉब सेटिस्फेक्शन की भी अनुभूति होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा दिख रहा है। चलते हैं सेहत की तरफ। मैं कई बार बता चुका हूँ, वक्री ग्रह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऑलरेडी केतु आपके लग्न में है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सेहत को लेकर आपको इन 4 महीनों में झेलनी पड़ेगी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, लिवर संबंधित रोग, ब्लड डिसऑर्डर्स भी रह सकते हैं। इसके साथ ही लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। ऑलरेडी यदि आपको लोअर बैक की कोई प्रॉब्लम है, बैक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सीआरटी का है, तो ये इश्यूज़ जो हैं ये आपके आपको बहुत प्रॉब्लम्स देने वाले हैं। आपके काम में भी अड़चन आ सकती है इसके कारण। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे। होगा क्या कि वैसे तो पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, लेकिन जैसे ही शाम को या रात का समय आएगा सोने का, आपका माइंड एकदम डबल एक्टिवेट हो जाएगा, और जब माइंड रात को एक्टिवेट हो जाता है तो सोने में दिक्कत आती है। इसलिए इवन जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप सोने जाएँ तो अपने कार्यों को धीरे धीरे कर कर ख़त्म करना शुरू कर दें, मतलब कि ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना रहें, क्योंकि माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और यही आपके साथ होगा, शाम के समय में यूजली आपका माइंड बहुत एक्टिवेटेड रहेगा, और उसके कारण स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे। खाना बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, फूड इन्फेक्शन या फूड के कारण इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं, बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड करें। तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, थोड़ा सेहत को लेकर ध्यान दें, क्योंकि ऑलरेडी केतु मैंने जैसे कहा लग्न में है, वो एक तरह के रोग कारक ही होते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। आपके लिए उपाय क्या है, किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में, यदि लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं मिलता तो वैसे किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई लक्ष्मी नारायण मंदिर है
तो उसमें पूजा का सामान कुछ दान में देके आइएगा। इसके साथ ही चावल और चीनी का दान करके आइएगा। और उसके बाद आपको वहाँ बैठकर विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा दोनों का 5-5 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए ये जो बृहस्पति जी का वक्री होना है ये अच्छे ही रिजल्ट आपको देके जाएगा। तो ये था बृहस्पति वक्री का क्या प्रभाव रहेगा तुला पर, उस पर मेरा एक राशिफल, एक विश्लेषण। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।